आ चुका है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को न्यू अपडेट में आने वाले न्यू न्यू चीट को नंबर बता देता हूँ, और साथ ही गाइस आज इस का न्यू फीचर भी ऐड हुआ है तो मैं आप लोगों को न्यू फीचर का कोड भी बताऊंगा, और साथ ही गाइस हमारे गेम के अंदर सीक्रेट प्लेस भी ऐड करा गया है तो मैं आप लोगों को सीक्रेट प्लेस का लोकेशन भी बताऊंगा। आप लोगों ने गाइस अभी तक गेम को अपडेट नहीं कराया तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर गेम को अपडेट कर लेना। आप लोगों को सबसे पहले इन बाई का ड्रैगन फ्रूट गेम का न्यू अपडेट में आने वाले ऑटो रिक्शा का चीट को नंबर बता देता हूँ। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम ऐड करा गया है वो आप लोगों को कहां पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस आप लोग गेम को अपडेट कर लो और फिर गाइस 870 डाल करोगे तो ऑटो रिक्शा स्पॉन हो जाएगा। तो अब मैं आप लोग को बता दूं हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम ऐड करा गया वो गाइस आप लोगों को कहां पे देखने को मिलेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो गाइस आप लोग को हाउस से निकलना है और गाइस आप लोग को लेफ्ट हो जाना है, और लेफ्ट होते ही गाइस आप लोग को इस बिल्डिंग के ऊपर अपने ऑटो रिक्शा को चढ़ा देना है, और इस ऑटो रिक्शा को इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो फिर से गाइस इधर पीछे से आप लोग को यहाँ पे ऑटो रिक्शा को नीचे करने का ऑप्शन मिलेगा। इस रास्ते की मदद से आप लोग ऑटो रिक्शा को नीचे ले आना, आप लोग बिल्डिंग के पीछे ऑटो रिक्शा को लेके आ जाते हो आप लोग गाइस कंटेनर वाला एरिया देखने को मिलेगा। आप लोग सामने देख सकते हो गाइस आप लोग कंटेनर वाला एरिया देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोग को व्हीकल्स को कहीं भी मूव नहीं करना है, आप लोग को सीधे यहाँ पे फुल स्पीड में ऑटो रिक्शा को ड्राइव करना है, या फिर आप लोग जो भी व्हीकल्स को लोगे उसे आप लोग को फुल स्पीड में ड्राइव करना है। और जैसे गाइस आप लोग ड्राइव करोगे और फील्ड के अंदर आ जाओगे तो गाइस आप लोग को यहीं से कार शोरूम देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे गेम के जो कंस्ट्रक्शन एरिया आप लोग को देखने को मिलता है उसके सामने ही गाइस आप लोग को कार शोरूम देखने को मिलता है। आप लोग को फिर से गेम को अपडेट करोगे फिर गाइस आप लोग गेम के अंदर कार शोरूम आएगा। तो आप लोगों ने गेम को अपडेट नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन लिंक कर दिया है, आप लोग जाके गेम को अपडेट कर लेना। हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम ऐड कराया गया है वो गाइस वो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और न्यू वाला कार शोरूम काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को ये कार शोरूम कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को न्यू अपडेट में आने वाली ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर बता देता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 8370 डाल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो ऑटो रिक्शा काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, एंड आप लोग बोल रहे थे भाई हम लोग ऑटो रिक्शा कलर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलो गाइस हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑटो रिक्शा कलर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस हमारे गेम के जो ऑटो रिक्शा ऐड करा गया है उसका जो कलर है वो डिफॉल्ट रहने वाला है, आप लोग इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। इसका जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा स्मूथ है तो आप लोग इसे इजी तरीके से ड्राइव भी कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाले न्यू इंडावर कार का चीट कोड नंबर, न्यू वाले इंडावर कार को स्पॉन करने के लिए गाइस आप लोग को डाल करना होगा 2020। जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 20-20 डाल कर दोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर न्यू वाला इंडावर देखने को मिल जाएगा, और न्यू वाला इंडावर के फ्रंट पे आप लोग को आरजेस का लोगो भी देखने को मिल जाता है। साइड से कुछ इस तरह से आप लोग को इंडावर कार देखने को मिलेगा, और पहले जिस तरह से बैक में आप लोग को इंडावर कार देखने को मिलता था उस तरह से गाइस आप लोग को बैक का भी लुक वैसा ही देखने को मिलता था। और गाइस अब आप लोग इंडावर कार का आरजीबी कलर करोगे तो आप लोग को अदर व्हीकल्स की तरह ही आप लोग को आरजीबी देखने को मिलेगा। गाइस हम लोग आरजीबी कलर करते थे इंडावर कार का तो अदर कार से डिफरेंट कलर देखने को मिलता था। तो अब मैं गाइस आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाली स्पाइडर का चीट कोड नंबर बता देता हूं। तो गाइस स्पाइडर को स्पॉन करने के लिए डाल करना होगा गाइस आप लोग को 5599। जैसे गाइस आप लोग 5599 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर गाइस यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन हो जाएगा, और फिर गाइस ये जो स्पाइडर है आपके ऊपर अटैक करने आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसके अटैक से बचना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा तो आप लोग को इन्फिनिटी वेल को एक्टिवेट कर लेना होगा, फिर गाइस ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये जो स्पाइडर है आप लोग को फॉलो करेगा। तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम ऐड करा गया वो मैं आप लोग को नीचे आप लोग को कार शोरूम का फ्लोर कैसा देखने को मिलेगा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैं आप लोग को कार शोरूम के ऊपर वाले फ्लोर को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आते हो तो कुछ इस तरह से आप लोग को ऊपर वाला फ्लोर कार शोरूम का देखने को साथ में गाइस हम लोग यहाँ पे कार वगैरह को पार्क कर सकते हैं, और गाइस यहाँ पे हम लोग जो भी कार को पार्क करेंगे भाई उसको हम लोग ड्राइव करके नीचे भी लेके जा सकते हैं। गाइस ये जो आप लोग कार शोरूम देख रहे हो गाइस इसके अंदर आप लोग कार वगैरह को भी ऐड कर सकते हो आरजे शुल्क की मदद से। तो आरजे शुल्क के अंदर कौन सी कोड डाल के कार शोरूम के अंदर कार को ऐड कर सकते हो मैं आप लोग को वीडियो के आगे बताऊंगा। मैं आप लोग को बताऊंगा हमारे गेम के अंदर आप लोग को सीक्रेट प्लेस कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे गेम के अंदर सीक्रेट प्लेस और कहीं नहीं ऐड करा गया, हमारे एयरपोर्ट पे ही सीक्रेट प्लेस को ऐड करा गया है। और गाइस हमारे गेम के अंदर जो आप लोग को एयरपोर्ट वाला बिल्डिंग देखने को मिलता था पहले वाला उसको रिमूव कर दिया गया है, और हमारे गेम के गाइस एयरपोर्ट का रियल बिल्डिंग को ऐड करा गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस इधर में एरोप्लेन का गैरेज भी ऐड करा गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर जाके देखते हैं लोग गाइस इसके अंदर प्लेन वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑटो रिक्शा को लगा दिया था, और गाइस हम लोग गैरेज के अंदर भी आ चुके हैं, एरोप्लेन के जो पार्किंग होती है वहाँ पे आ चुके हैं, बट इसके अंदर कोई भी एरोप्लेन वगैरह देखने को नहीं मिलता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, आप लोग आर पार देख सकते हो गाइस। और गाइस हमारे गेम के जो एयरपोर्ट का बिल्डिंग ऐड करा गया वो काफी ज्यादा रियल ऐड करा गया है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को वहां पे भी लेके चलता हूं। और गाइस देख सकते हो गाइस हम लोग एयरपोर्ट के बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं। चलो गाइस हम लोग टावर के ऊपर लैंड करते हैं। तो हम लोग गाइस टावर के ऊपर लैंड भी कर चुके हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हो यहां से एयरपोर्ट का पूरा व्यू दिखाई देता है और पूरा सिटी दिखाई देता है आप लोग यहां पे देख सकते हो। एयरपोर्ट का ऊपर वाला फ्लोर गाइस कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और हां गाइस बात करें आरजे शुल्क के न्यू फीचर की तो न्यू फीचर का गाइस वीडियो कल आएगा, क्योंकि आरजे शुल्क के अंदर गाइस काफी ज्यादा डेंजर फीचर ऐड हुआ है तो उसको एक्सप्लेन कर
करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और गाइस आप लोग को समझाना भी है। से गाइस आप लोग टनल को रेडी कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें ऐड करी गई है इस बार के अपडेट के अंदर जो आरजी शुल्क की मदद से आप लोग कर सकते हो, तो वो वीडियो गाइस कल आएगी। जैसे गाइस मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां से गाइस आप लोग जाके देख लेना आरजी शुल्क का ऑल न्यू फीचर। अगर गाइस आप लोग को आरजी शुल्क का ऑल फीचर वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा वीडियो डालने के बाद, फिर गाइस वहां से आप लोग जाके देख सकते हो कि हमारे आरजी शुल्क के अंदर न्यू अपडेट के अंदर क्या क्या फीचर ऐड करा गया है और वो फीचर कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें गाइस आप लोग को उसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और गाइस ये जो स्पाइडर देख रहे हो इसे आप लोग आरजी शुल्क की मदद से भी स्पॉन करा सकते हो। आरजी शुल्क के न्यू कोड का वीडियो गाइस आप लोग को हमारे वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिंक पिन देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो अपलोड करने के बाद। तो गाइस आप लोग को इन्होंने बाय के ड्रैगन थ्रेड गेम का ये वाला अपडेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय।